Hello friends, how are you? तो आई एम शुभम अग्रवाल, दिस इज योर चैनल 7x केमिस्ट्री। आज हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने यही देखा था, दिस इज लेक्चर 2। लेक्चर 1 में भी हमने इसको स्टार्ट किया था। ये NCERT क्लास 12 चैप्टर 10 बुक 2 हेलोअल्केन्स का जो चैप्टर है उसमें ये सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शंस दिए हुए हैं। कुछ 8-9 रिएक्शंस हैं, आज सारे के सारे हम लोग कर लेंगे। We believe in quality education and education should be free for all. एक अच्छी education सबको मिलनी चाहिए, इसीलिए 7x chemistry पे हम लोग एक अच्छी education देने की कोशिश करते हैं, diagrams से सारे concepts समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी जो pictographic memory होती है वो बहुत solid होती है। किसी की भी शक्लें आपको ध्यान रहती हैं, नाम आप भूल जाते हैं, तो इसीलिए चलिए start करते हैं अपने diagrams से। ओके, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होता है? सबसे पहले मैं ये एक बेसिक क्वेश्चन लूंगा, व्हाई कार्बन इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स इन अ हेलो एल्केन, और इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है? अब आप इस चीज पे जरा फोकस कीजिए। जरा देखिए, ये मैंने पूरा का पूरा हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल बना रखा है। ये आप जानते हैं हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल में एक हेलोजन होता है, यहां पे वो क्लोरीन है और कार्बन से अटैच्ड है। अब कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है। व्हाट आई मीन बाय पोलर इज कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, द टेंडेंसी ऑफ अ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो ज्यादा बदमाश एलिमेंट है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। तो आप चेक कीजिए, मैंने ये दो इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं ब्राउन कलर से, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ क्लोरीन ने खींच लिए हैं। इसकी वजह से कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो यहां पे कार्बन हैज बिकम अ लिटिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उसको न्यूक्लियोफाइल अब चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की हल्की सी कमी हो गई है। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या खास बात है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसको बोलते हैं लोन पेयर या चार्ज होता है कभी कभार। कुल मिला के न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हल्के से एक्सेस में होते हैं और वो किसी पॉजिटिव सेंटर के पास जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ही है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज, फाइल मींस लविंग, तो पॉजिटिव लविंग स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल है हेलो एल्केन्स में। लेक्चर 1 पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे हेलो एल्केन्स में ज्यादातर रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हैं और पूरे के पूरे चैप्टर में यही डोमिनेट करती हैं। अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ गए हेलो एल्केन्स में, मतलब आपको पूरा का पूरा चैप्टर आ गया। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट ऑन टू आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहला हमने एक पिछले लेक्चर में देख लिया था, आप उसको रिविजिट कर सकते हैं जाके। हम आगे से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो दूसरा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो है किस किस के बीच, सोडियम मिथॉक्साइड यानी कि CH3ONA, सोडियम मिथॉक्साइड बोलते हैं इसको, ये एक हेलो एल्केन पे जब अटैक करता है। हमारा फेवरेट हेलो एल्केन हम लेंगे जो कि क्लोरोमीथेन है। हम सारे के सारे अपने रिएक्शन में क्लोरोमीथेन ही लेने वाले हैं। ओके, अब आप इस जरा न्यूक्लियोफाइल पे ध्यान लगाइए। ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये वाइट कलर का होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। मैंने एक पिक्चर बना रखी है, उसको देख सकते हैं आप याद करने के लिए। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल के अंदर हम कुछ चीज समझते हैं कि क्या हो रहा है। CH3ONA में बच्चों ओ और NA का बॉन्ड पोलर है, NA इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ओ ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अगर ऐसा है तो ऑक्सीजन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले, शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है,
जो किसी बॉन्ड में होते हैं, जिनसे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उनको अपनी तरफ खींच लेगा और खींचने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो Na से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें इस O नेगेटिव को देखना है। अच्छा, इस O नेगेटिव जो है, इसके आसपास मैंने चार ये ब्राउन डॉट्स लगा रखे हैं। तो आप सोच रहे होंगे क्या हैं ये बच्चों, ये तो दो हैं लोन पेयर, लोन पेयर को मैं शॉर्ट में बोलता हूं LP, और ये वाले जो दो हैं ये बॉन्ड पेयर हैं BP, जो अभी अभी ऑक्सीजन ने बॉन्ड Na के साथ जो बॉन्ड था उससे मारे हैं, उसकी तरफ से खींच के ले आया है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब आप ये देख पा रहे हो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स की भरमार हो गई है, और दूसरी तरफ हमारा जो कार्बन है हेलोअल्केन का, हमेशा की तरह इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स मार लिए हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और फटाक से जाके अटैक करता है कार्बन के ऊपर। और जब सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल किसी एटम को धक्का भी देगा तो क्लोरीन को धक्का देता है वो, और वो बाहर निकल जाता है ग्रुप से, और हमारा कंपाउंड क्या बनता है, हमारा पूरा रिएक्शन बनके कंपाउंड और जो प्रोडक्ट है हमारा वो ये बन जाता है। इस प्रोडक्ट का नाम है बच्चों मिथॉक्सी मीथेन, CH3O CH3। पहला प्रोडक्ट ये है और यही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे लिए। और एक और बाय प्रोडक्ट निकलता है, वो है NaCl। तो अगर आपको पूरा का पूरा रिएक्शन लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल हमारा, सबसे पहले सबस्ट्रेट ले लेते हैं। सबस्ट्रेट हमारा यहाँ पे है हेलोअल्केन। सबस्ट्रेट बच्चों वो स्पीशी होती है जिसपे अटैक हो रहा होता है, तो यहाँ पे हमारा हेलोअल्केन सबस्ट्रेट है। सबसे पहले सबस्ट्रेट लिख लो, CH3Cl, ये सबस्ट्रेट हो गया। इसके ऊपर बच्चों न्यूक्लियोफाइल कौन सा अटैक करने वाला है? अभी हम लोगों ने देखा CH3O- अटैक करने वाला है, इसका अटैक होगा। तो आपने रिएक्शन ऐसे लिख लिया, और उसके बाद इसका आपने जब अटैक कराया इस पे, तो कंपाउंड आपके पास बन गया CH3O CH3। इसका IUPAC नेम है मिथॉक्सी मीथेन, और साथ में जो Na+ था वो Cl- के साथ मिलके NaCl बना दिया। आप इसको ऐसे रिएक्शन को डिपिक्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ ये हमारे मिथॉक्सी मीथेन के बारे में। इसमें कुछ चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो मिथॉक्सी मीथेन है बच्चों हमारा, इसका कॉमन नेम डाइमिथाइल ईथर है। इसको प्यार से डाइमिथाइल ईथर भी बोलते हैं। आप कॉमन नेम याद रखो या मत रखो, मगर ये जो IUPAC है ना, इसको आपको ज़रूर याद करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये जो हमारा मिथॉक्सी मीथेन है, एक तो ये कलरलेस गैस है। ये मैंने आपको डायग्राम में ही बताया था कि ये कलरलेस गैस है। जो भी मैं डायग्राम बनाता हूँ बच्चों, जो उसमें कलर होता है, जो स्ट्रेट होता है उसका, वो उसको बिल्कुल मैं वैसे ही बिल्कुल डिपिक्ट करता हूँ। ऐसा इसलिए करता हूँ मैं ताकि आपको आसानी पड़े कि कोई कंपाउंड का स्टेट क्या है वो दिमाग में फिक्स करने के लिए। ओके, तो मिथॉक्सी मीथेन एक कलरलेस गैस है। ये एक प्रोपेलेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है। प्रोपेलेंट क्या होता है, जैसे कि आपका डिओड्रेंट में प्रोपेलेंट पड़ता है। आपका डिओड्रेंट में क्या होता है, प्रोपेलेंट होगा और साथ में कोई उसमें परफ्यूम मिला होगा, तो जैसे ही आप उसका स्प्रे मारोगे ना, वो बाहर जाएगा फटाफट परफ्यूम निकाल के। तो वो जो मीडियम होता है, जो गैस बाहर निकलती है फटाक से, उसको बोलते हैं प्रोपेलेंट। तो ये जितने भी स्प्रेज होते हैं ना, ये सब में डलता है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारे ईथर हैं और मिथॉक्सी मीथेन जो है, ये नॉन टॉक्सिक है। इससे कुछ ज़्यादा ह्यूमंस को दिक्कत नहीं होती, सेफ़ है इस्तेमाल करने के लिए। तो जब भी हमें कोई स्प्रे बनाना होता है, हमारा मिथॉक्सी मीथेन हम उसमें प्रिफर्ड कंपाउंड की तरह से इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ प्रिफर्ड। ओके, इसका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि दिस इज़ अ बायोफ्यूल।
ये फ्यूचर का बायोफ्यूल बनने वाला है मेथॉक्सीमीथेन हमारा। यूरोपियन नेशंस इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो गार्बेज वगैरह है उनसे ये बायोफ्यूल निकलता है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे यूजेस मेथॉक्सी मीथेन के। यूजेस भी बच्चों में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंपाउंड्स पहचान लें, जान लें कि आप केमिस्ट्री में आपसे कौन कौन से कंपाउंड्स आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन अब हम लोग देखने वाले हैं वो है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद हेलोएल्केन। तो पोटेशियम आयोडाइड हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसे हुआ इस चीज को देखेंगे। और साथ में ये डायग्राम देखो बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड एक वाइट सॉलिड है, यही मैंने आपको इसमें डिपिक्ट कर रखा है। कटोरे में एक वाइट वाइट कलर का सॉलिड रखा है, ये आपको पता लग रहा है पोटेशियम आयोडाइड का ये कलर और स्टेट है। पोटेशियम आयोडाइड भी एक आयनिक कंपाउंड है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बीच में रखे हैं। और आप जानते हो कि आई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर आई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आई ज्यादा बदमाश हुआ तो वो के इलेक्ट्रॉन जो उसके साथ शेयरिंग में रखे हुए थे बॉन्ड में, वो उन्हें मार लेगा और उनको मार के कुछ ऐसी सी स्टेट में आ जाएगा। आई के ऊपर आप चेक करो, माइनस डेल्टा चार्ज आ गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ गए, आप ऐसा समझ सकते हो। अगेन बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड पेयर थे वो तो आई गए, ये शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे और ये साथ में ये जो हैं ये दोनों के दोनों एलपी हैं। मैंने हर जगह एलपी भी डिनोट कर रखा है बिकॉज एक अच्छा केमिस्ट्री का लर्नर होने के लिए आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि किसी के आउटर शेल में कितने एलपी या लोन पेयर पड़े हैं। ये हमारी बहुत सारी चीज़ों को आसान करता है, हमें बहुत सारी चीज़ों की नेचर पहले से ही पता लग जाती है। ओके, तो ये जो हमारा लोन पेयर है और चार्ज जो आ गया है, अब आई हमारा बन गया है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जिसके पास चार्ज बहुत सारा है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, अब ये क्या करेगा, कार्बन पे करेगा अटैक। क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरीन ने ले लिए, तो इसको न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है। और आई आएगा और सीएल को क्या करेगा, धक्का देके बाहर निकालेगा। तो इससे हमारा कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड हमारा बना है आयोडोमीथेन। ये रहा कंपाउंड प्रोडक्ट हमारा, ये रहा आयोडोमीथेन और साथ में के साथ सीएल बाहर निकल गया तो पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये मैंने जो बॉटल बनाई हुई है ना, ये एक डार्क कलर्ड बॉटल है, इतना आपको पता लग रहा है। और साथ में इसमें ये एक लिक्विड सा इसमें दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली दिस इज अ ऑयली लिक्विड। तो इससे मैंने आपको ये बताया कि हमारा आयोडोमीथेन जो है एक ऑयली लिक्विड होता है। अच्छा, अब अगर आपको ये देखना हो कि हम इसका रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम कैसे लिख सकते हैं, फिर से ऐसे लिख लेंगे बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हमारा क्या है, हेलो एल्केन, यानी कि कौन सा है, क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला लिख लिया, CH3Cl सबस्ट्रेट आ गया। आप न्यूक्लियोफाइल को एज इट इज रिएजेंट में भी, रिएक्टेंट के तौर पर भी लिख सकते हैं या एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मगर आप चाहे तो इसको रिएक्टेंट की तरह से प्रॉपर लिख लीजिए। ये हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट लिखे हैं। अब आप जानते हैं क्या होने वाला है, आई यहाँ से सीएल को धक्का देगा तो प्रोडक्ट बनेगा आयोडोमीथेन CH3I, और जो के और सीएल बचे हुए हैं वो अपना एक अलग कंपाउंड बना लेंगे। ऐसे हम पूरा का पूरा रिएक्शन लिख सकते हैं। आयोडोमीथेन के बारे में अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आयोडोमीथेन एक डेंस कलरलेस लिक्विड है, इसको तो हम देख ही चुके हैं। ये एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी इस्तेमाल होता है, काफी फेमस है और डार्क बॉटल्स में हमेशा स्टोर्ड होता है, ये भी हम देख चुके हैं। चलिए हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और ये है अमोनिया रिएक्ट्स विद हेलो एल्केन।
तो यहाँ पे अमोनिया का इस्तेमाल हो रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये रहा हमारा अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह इस्तेमाल होते हुए। अमोनिया आप सब लोग जानते हैं कि ये एक गैस है और ये एक कलरलेस गैस है, इसलिए मैंने इसको एक जार में बंद करके दिखा रखा है। अच्छा, अब इस NH3 मॉलिक्यूल में हमारे फिर से आप देखेंगे, ये मैंने दोनों LP डिनोट कर रखे हैं यहाँ पे। अब ये जो LP हैं, यही अमोनिया को एक न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं। N के ये जो LP हैं, ये भाग के जाएंगे किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर, जो पहले से ही बहुत भूखा है। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ने उसके इलेक्ट्रॉन्स मार लिए हैं। फिर से यहाँ पे क्या होने वाला है, NH3 क्लोरीन को धक्का देके बाहर निकाल देगा और अपने आप C के साथ जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड हमारा क्या बनेगा? इस कंपाउंड का नाम है मीथेन अमाइन। CH3NH2 इसका फॉर्मूला है और साथ में एक H बाहर निकलेगा NH3 से और Cl हमारा क्लोरोमीथेन से, तो HCl बना लेंगे। इसका रिएक्शन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए। सबसे पहले लिखेंगे अपना सबस्ट्रेट CH3Cl, फिर आप न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दीजिए NH3। अब देखिए, मैं इसको आपको दूसरी तरह से लिख के दिखाता हूँ तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि बायो प्रोडक्ट इसमें से क्या निकलने वाला है। देखिए, मैंने ना NH3 को बच्चों ऐसे लिख दिया, ये एक H ना मैंने बाहर निकाल दिया और ये जानबूझ के बाहर निकाला है। क्यों? क्योंकि ये H और ये Cl फाइनली ये कंबाइन करने वाले हैं। H और Cl ना ये कंबाइन कर जाएगा तुम्हारा, ये H और Cl कंबाइन कर जाएगा और फाइनली हमारा जो रिएक्शन आएगा, रिएक्शन CH3NH2, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट मीथेन अमाइन और साथ में HCl निकल गया बाहर। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है मीथेन अमाइन, इसके बारे में। लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी वेरी एक्साइटिंग कंपाउंड मीथेन अमाइन। क्यों? क्योंकि बच्चों ये एक कलरलेस गैस तो है ही, मगर ये एक्साइटिंग वाली कोई बात नहीं है। फिशी ओडर है इसका, फिश की हल्की सी स्मेल आती है। अमोनिया में भी पंजेंट स्मेल आती है, बेसिकली यूरिन की स्मेल होती है, वो पंजेंट होती है, तो इसका भी फिशी ओडर होता है मीथेन अमाइन का। ओके, तो नाउ व्हाई दिस इज अ एक्साइटिंग कंपाउंड। मैं आपको क्यों बोल रहा था मीथेन अमाइन एक्साइटिंग है, क्योंकि ये रिक्रिएशनल ड्रग्स में इस्तेमाल होता है और इसका बहुत ज़्यादा अब्यूज होता है। मैं आपको बताऊँ, स्पेशली US में बहुत सारे सीरियल्स और TV सीरीज में आपने देखा होगा, जो भी वो क्रिस्टल मेथ कोक वगैरह लेते हैं, उनका बेसिक कंपोनेंट हमारा मिथाइल अमीन ही होता है। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे TV सीरीज हैं जिनमें ये लिया गया है। एक TV सीरीज शायद आपने देखा हो, मैंने देखा है, केमिस्ट्री से रिलेटेड था तो इसीलिए देखा, ब्रेकिंग बैड नाम से था वो, आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। ब्रेकिंग बैड में जो वॉल्टर वाइट होता है, उसका कैरेक्टर जो होता है, इसको चुराने जाते हैं एक जगह से, मिथाइल अमीन को या मीथेन अमाइन को। इससे मुझे ध्यान आया कि मेरा एक एपिसोड बाकी है। ऐसा करते हैं, मैं अपना एक ब्रेकिंग बैड का एपिसोड निपटा के आता हूँ, इतने आप ये वाली वीडियो निपटा लो। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको कुछ कुछ अपने दिमाग में ट्रैकर छोड़ने पड़ते हैं। आपको समझना पड़ता है कि आगे जाके कौन से रिएक्शन आप देखने वाले हो। जनरली मैंने देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इस वजह से क्योंकि वो लोग उसको क्लासिफाई नहीं करते। वो क्या करते हैं, बस पढ़ना चालू कर देते हैं, NCERT या अपनी बुक्स उठाई और एक के बाद एक रिएक्शन पढ़ना चालू कर दिया, बजाय ये समझे कि वो जो आप रिएक्शन जिस कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हो उसकी स्टेट क्या है, कलर क्या है, कैसा बिहेवियर है उसका। अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप नहीं समझ पाओगे आप किस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हो। और जब एक साथ बहुत सारा चैप्टर पढ़ लोगे और इवन बहुत सारा ऑर्गेनिक पढ़ लोगे तो आप सब भूल जाने वाले हो। तो ये मैंने आपको डिटेल में अच्छी तरह से समझाया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद मोर रिएक्शंस। आपके कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and I'll try to take a look as soon as possible, and please like, subscribe and share my channel. So until next video, goodbye.